बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली की पहचान हिंदुस्तान के बड़े डायरेक्टर के रूप में होने लगी है, और हो भी क्यों ना। बाहुबली में हम सब देख चुके हैं कि वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं। बहरहाल, बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद सबसे ज़्यादा भाषाओं में रिलीज़ होने वाली उनकी तीसरी धमाकेदार फिल्म RRR रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म ने भी बाहुबली की तरह बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीनर की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR से जुड़ी बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर फिल्म की वन लाइन स्टोरी की बात करें तो अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम भारत के दो स्वतंत्र सेनानी थे जो वास्तविक रूप से अपने जीवन में एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है और इस विचार पर आधारित है कि अगर अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम आपस में कभी मिलते तो ऐसा होता जैसा कि हमको फिल्म में दिखाया गया है। चलिए अब फिल्म से जुड़ी बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, RRR की स्टोरी के लिए फिल्म का ओरिजिनल आइडिया राजामौली को उनके फादर साहब KV विजेंद्र प्रसाद ने दिया था, जो राजामौली को बहुत पसंद आया था। और फिर बाद में राजामौली ने इस पर अगले 6 महीने तक रिसर्च की और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। 2019 में राजामौली ने रिवील किया था कि फिल्म का कोर आइडिया उनको 2000 में आई हॉलीवुड फिल्म द मोटरसाइकिल डायरीज से आया था। फैक्ट नंबर टू, फिल्म RRR के टाइटल के भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब हैं। आमतौर पर इस टाइटल का मतलब लोग फिल्म के स्टार कास्ट और डायरेक्टर के नाम से जोड़ते हैं, जैसे कि रामचरण, रामा राव जूनियर और फिल्म के डायरेक्टर राजामौली। और एक हद तक ये बात सच भी है, लेकिन मेकर्स के अनुसार इस फिल्म के टाइटल का असल मतलब कुछ इस तरह है, जैसे कि तेलुगु में रौद्रम रणम रुधिराम, तमिल में रथम रणम रोधिराम, कन्नड़ में रौद्राणा रुथिरा, अब मलयालम में रुथिराम रणम रौद्रम। इन सब का मतलब रेज, वॉर एंड ब्लड होता है। हिंदी और अंग्रेजी में फिल्म का टाइटल राइज रोर रिवोल्ट यानी RRR है। फैक्ट नंबर थ्री, रामाराव जूनियर जो कि फिल्म में कोमाराम भीम की भूमिका निभा रहे हैं, फिल्म में हमने देखा है कि उनकी एंट्री दौड़ते हुए टाइगर के साथ होती है। उनके इस एंट्री वाले सीन को बुल्गेरिया के जंगलों में शूट किया था। वहीं फिल्म में रामचरण जो कि फिल्म में अल्लूरी सीतारामा राजू की भूमिका निभा रहे हैं, फिल्म में उनकी एंट्री पुलिस की वर्दी में अंग्रेजों के लिए आम लोगों से लड़ते हुए दिखाई गई है। उनके इस एंट्री वाले सीन को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर फोर, फिल्म के डायरेक्टर राजामौली के लिए रामा राव जूनियर की एंट्री वाले सीन को शूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि रामा राव की एंट्री उनको एक टाइगर के साथ दिखानी थी, जिससे कि राजामौली ये इस्टेब्लिश कर सकें कि कोमाराम भीम की कौम जंगलों में रहती है। टाइगर के साथ जूनियर NTR की एंट्री एकदम यूनिक और रियलिस्टिक लगे, उसके लिए राजामौली ने लंदन की सबसे फेमस कंप्यूटर ग्राफिक्स कंपनी MPC यानी मूविंग पिक्चर कंपनी को हायर किया था। फैक्ट नंबर फाइव, फिल्म में रामचरण के अपोजिट आलिया भट्ट ने सीता का कैरेक्टर प्ले किया है। ये आलिया की डेब्यू तेलुगु फिल्म थी। इससे पहले आलिया ने किसी भी तेलुगु फिल्म में काम नहीं किया था। फिल्म में आलिया के वैसे तो ज़्यादा सीन्स नहीं हैं और ना ही ज़्यादा डायलॉग्स हैं, पर जितने भी हैं उनको अच्छे से डिलीवर कर सके उसके लिए आलिया ने तेलुगु भाषा सीखी थी। फैक्ट नंबर सिक्स, फिल्म में जूनियर रामा राव यानी जूनियर NTR के अपोजिट फीमेल लीड जेनिफर का किरदार निभाया है लंदन की एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस ने। ओलिविया से पहले इस कैरेक्टर के लिए लंदन की ही रहने वाली डेजी एडगर जोन्स को कास्ट किया गया था, लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से उन्होंने इस कैरेक्टर को करने से मना कर दिया था। फिर उनकी जगह इंग्लिश एक्ट्रेस ब्रिटनी अशवर्थ का हैदराबाद में स्क्रीन टेस्ट किया गया था, लेकिन वो कैरेक्टर के लिए फिट नहीं थी और बाद में ओलिविया मॉरिस को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर सेवन, फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अजय देवगन ने इस फिल्म में रामचरण यानी अल्लूरी सीतारामा राजू के बाबा वेंकटा रामा राजू का किरदार प्ले किया है। आपको बता दें कि अजय देवगन की भी RRR पहली तेलुगु फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने भी किसी तेलुगु फिल्म में काम नहीं किया था। फैक्ट नंबर एट, आयरिश अभिनेत्री और मॉडल एलिसन डूडी ने RRR में लेडी स्कॉट कैथरीन बुकस्टोन की भूमिका निभाई है। एलिसन डूडी ने इससे पहले इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड, द राइजिंग हॉक, डिवीजन 19, ओल्ड ट्रेफिन जैसी हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है और RRR उनकी पहली यानी डेब्यू तेलुगु फिल्म थी।
फैक्ट नंबर 9, फिल्म में मेन विलन यानी स्कॉट बुक्सटन का कैरेक्टर प्ले किया है आयरलैंड के एक्टर जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन ने। स्टीवेंसन की भी ट्रिपल आर पहली इंडियन तेलुगु फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने किंग आर्थर, थोर द डार्क वर्ल्ड एंड थोर रैग्नारोक जैसी हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में जबरदस्त काम किया है। फैक्ट नंबर 10, एक इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर ने बताया था कि फिल्म में कोमाराम भीम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की थी। साथ ही अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए उन्होंने एक 18 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था। फैक्ट नंबर 11, ट्रिपल आर भारत की पहली ऐसी फिल्मों में से एक है जिसे एरी एलेक्सा एलएफ और एरी के सिग्नेचर प्राइम लेंस पर शूट किया गया है। आपको बता दें कि एरी एलेक्सा एलएफ एरी के बेस्ट कैमरों में से एक है और ये कैमरा 4.5K तक की फुटेज को शूट करता है और इसकी कीमत लगभग इतनी है। वहीं पर अगर एरी के सिग्नेचर प्राइम लेंस की बात करें तो ये लेंस वार्म, स्मूथ स्किन और डीप फोकस के साथ फुटेज में एक बुके वाला फील डाल देता है। फैक्ट नंबर 12, हम सब जानते हैं कि इतने बड़े लेवल की फिल्म बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टीम की जरूरत होती है। ट्रिपल आर की शूटिंग के समय सेट पर सभी डिपार्टमेंट्स के मिलाकर 3000 से भी ज़्यादा लोग क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली के अलावा इस फिल्म में राजा मौली को हेल्प करने के लिए 9 को डायरेक्टर भी काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में हमने देखा है कि कितना ज़बरदस्त एक्शन है। सभी एक्शन सीन को बहुत ही यूनिक और बड़े लेवल पर दिखाया गया है। इन सभी एक्शन सीन को शूट करने के लिए 75 दिन से भी ज़्यादा का समय लगा था और इनको इतना एडवांस और यूनिक बनाने के लिए 2500 से भी ज़्यादा स्टंट्समैन को लंदन से बुलाया गया था और 50 सुपर स्टंट्समैन को दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 14, राजा मौली की ट्रिपल आर के वैसे तो सभी गाने दमदार और फिल्म के इमोशन से जुड़े हैं, लेकिन नाटो नाटो सॉन्ग जो कि अपने यूनिक डांस स्टेप्स की वजह से फिल्म का सबसे ज़्यादा हिट और वायरल सॉन्ग था। आपको बता दें कि उस गाने को यूक्रेन की रियल लोकेशन प्रेसिडेंट पैलेस पर शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 15, रामाराव जूनियर और रामचरण ने अपने अपने कैरेक्टर्स की तेलुगु और हिंदी डबिंग खुद से की है। फिल्म के लिए डायरेक्टर रामाराव जूनियर और रामचरण ने फिल्म के लिए अपने अपने डायलॉग्स की डबिंग अपने घरों से की थी। ऐसा करने वाले वो पहले एक्टर्स बन गए हैं। साथ ही इन दोनों एक्टर्स ने पहली बार तमिल भाषा में खुद की फिल्मों को खुद से डब किया है। फैक्ट नंबर 16, शुरुआत में ट्रिपल आर के मेकर्स ने फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया था, लेकिन फिल्म का फाइनल बजट 500 करोड़ रुपए तक चला गया। वो इसलिए क्योंकि कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग को कई बार डिले करना पड़ा था, लेकिन मेकर्स जानते थे कि वो इस बजट को निकाल लेंगे, इसलिए बढ़ता हुआ बजट मेकर्स के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। फैक्ट नंबर 17, बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल आर ने 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्री रिलीज बिजनेस किया था, यानी रिलीज से पहले फिल्म 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी थी। इस 800 करोड़ रुपए की कमाई में से 200 करोड़ रुपए तो अकेले तेलुगु राज्यों से की गई थी। प्री रिलीज पर इतना बिजनेस करने के मामले में ट्रिपल आर हिंदुस्तान की पहली फिल्म बन गई है। फैक्ट नंबर 18, हम सब जानते हैं कि राजा मौली की सभी फिल्में बहुत बड़े लेवल पर बनती हैं, बड़ी स्टार कास्ट होती है, बहुत बड़े लेवल पर शूट होता है, फिर बड़े बड़े ट्रेलर रिलीज इवेंट्स होते हैं और उतने ही बड़े लेवल पर फिल्म का प्रमोशन होता है। आपको बता दें कि ट्रिपल आर के लिए मेकर्स ने कई राज्यों में जाकर ग्रैंड प्रमोशन किया था और महीने भर से भी ज़्यादा चले इस प्रमोशन इवेंट्स की कॉस्ट 40 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की थी, यानी ये इतना पैसा था जितने में बॉलीवुड की द कश्मीर फाइल्स जैसी 3 फिल्में बन सकती हैं। फैक्ट नंबर 19, फिल्म ट्रिपल आर की तरह इस फिल्म का म्यूजिक और गाने भी बहुत हिट हुए हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स लहरी म्यूजिक और टी सीरीज ने 25 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इस मामले में ट्रिपल आर साउथ इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई है जिसके म्यूजिक राइट्स इतने महंगे बिके हों। इससे पहले किसी भी साउथ फिल्म के म्यूजिक राइट्स इतने महंगे कभी नहीं बिके। फैक्ट नंबर 20, ट्रिपल आर ने अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो अभी तक हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड ओपनिंग थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड राजा मौली की ही बाहुबली 2 के नाम था। फैक्ट नंबर 21, राजा मौली की इस ग्रेंजर हाई एक्शन ड्रामा फिल्म को भारत के अलग अलग शहरों में शूट किया गया है, जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, अन्नापूर्णा स्टूडियोज, विकाराबाद फॉरेस्ट और गुजरात। इसके अलावा विदेशों में भी शूट किया गया है, इनमें बुल्गेरिया, नीदरलैंड और यूक्रेन की राजधानी कीव शामिल है। फैक्ट नंबर 22,
फिल्म में हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स की असेंबली और राजमहल दिल्ली में होता है। ये वही जगह है जहां पर फिल्म के अंदर रामचरण और रामाराव जूनियर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे सेट को 10 एकड़ जमीन में तेलंगाना के गांधी पेट में लगाया गया था। फैक्ट नंबर 23, अगर बात राजामौली की फिल्मों की हो और बॉक्स ऑफिस और फिल्म के बजट की बात ना हो तो फिर राजामौली की फिल्मों के साथ सही जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है। अगर ट्रिपल आर के बजट की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बजट था 550 करोड़ रुपए और इस बजट के साथ ये फिल्म रजनीकांत की 2.0 के बाद हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़े बजट की फिल्म बन गई है, क्योंकि 2.0 का बजट 750 करोड़ रुपये था। फैक्ट नंबर 24, फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने कहा था कि ट्रिपल आर का सीक्वल बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि फिल्म के राइटर और राजामौली के फादर साहब केवी विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि उनके पास फिल्म के सीक्वल के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और उन्होंने उस आइडिया पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथ ही वैरायटी के एक इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर ने भी उम्मीद जताई है कि ट्रिपल आर को दुनिया में एक फ्रेंचाइजी के रूप में याद रखा जाना चाहिए। अब आप कमेंट में बताएं कि क्या ट्रिपल आर का दूसरा पार्ट बनना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी ट्रिपल आर से जुड़ी बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन और कुछ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। इस तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल स्क्रीन रीड को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमें कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।